अस्सलामुअलैकुम। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियोस की। ये जो स्क्रीनशॉट्स आपको अपने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये दोनों मेरे चैनल हैं, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। आज हम डॉक्टर आशील के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। अभी जो है मेरे हाथ में है विटामिन सी आई सीरम है और 24 आवर हाइड्रेशन, ब्राइटनेस, डार्क सर्कल्स, प्लम्स एंड रिमूव पफिनेस, रिड्यूस अपेरेंस एंड रिंकल्स। यहाँ पर इन्होंने अपना जो है क्यूआर कोड दिया हुआ, आप इसे स्कैन कर सकते हैं आई थिंक। और पीछे जो है आपको इन्होंने इसके बेनिफिट्स, इंग्रेडिएंट्स और डायरेक्शन, वार्निंग सब बताई हुई हैं। इसमें इसके बेनिफिट लिखे हुए हैं कि ये आपकी आई को जो है वो नरिश करेगा, आपकी स्किन जो है आई के इर्द गिर्द की उसको ब्राइट करेगा। इसमें विटामिन सी मौजूद है और जो है ये आपके स्किन पे जो आपकी आई के जो इर्द गिर्द जो लाइंस होती हैं ये उनको रिड्यूस करेगा, उनको ख़त्म करेगा। इसके अलावा आपके जो आई के इर्द गिर्द जो डार्क सर्कल्स होते हैं, जो निशानात होते हैं जो अक्सर जागने की वजह से जो हो जाते हैं, ये उस डार्क सर्कल्स को रिमूव करेगा और आप जो स्किन है उसको स्मूथ करेगा, आपको ठंडक पहुंचाएगा आँखों के इर्द गिर्द, जिसकी वजह से जो है आपको आँखों में ब्राइटनेस फील होगी। इसके अलावा इसमें आपको डायरेक्शन बताई गई है, मतलब कि तरीका ये है कि आप जो है थोड़ा सा जो है अमाउंट लेंगे आई के ऊपर लगाएंगे फिंगर्स की मदद से, कि ये सिर्फ एक्सटर्नल यूजेज के लिए है, यानी कि आप जो है इसको आँख के अंदर ना जाने दें। अगर किसी वजह से आपके आँख के अंदर चला जाता है तो फौरन वॉश कर लें। अब हमारे पास है डॉक्टर आशील का फेस सीरम। ये जो है आपकी चेहरे पे झुर्रियाँ ख़त्म करेगा, आपकी स्किन को जो है ब्राइट करेगा यानी कि चमकदार बनाएगा। उसके अलावा फर्मिंग यानी आपकी स्किन को मजबूत करेगा, कोई भी किसी भी मतलब तरह की जो है प्रॉब्लम जो स्किन की होती है वो आपको नहीं पेश आएगी, जैसे दाने वगैरह हो जाते हैं या झुर्रियाँ पड़ जाती हैं वो नहीं होगी। ये आपकी स्किन को रिपेयर करेगा, यानी आपकी स्किन पे जो भी प्रॉब्लम होगी उसको ख़त्म करेगा। कि स्किन के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको ये वापस रिपेयर करता है, रिस्टोर करता है। आपकी जो स्किन है जो सन डैमेज है यानी जो धूप की शौक है जैसा ख़राब हो जाती है, झुलस जाती है, रंग काला हो जाता है, ये उसको भी रिपेयर करता है। उसकी आपको इसके इस्तेमाल से जो है आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो वापस फेयर होना शुरू हो जाएगा और फिर से आपकी स्किन जो है वो पहले जैसी हो जाएगी। अब हमारे पास फेशियल क्लेंज़र है और इसके अंदर भी हाइलोरोनिक एसिड है, एंटी एजिंग है। पीछे इन्होंने अपने जो है वेबसाइट्स दी हुई हैं, इंस्टाग्राम की और फेसबुक भी, जिस पे आप रابطہ कर सकते हैं और जो भी आपको मालूम करना हो वो यहाँ आप जाके मालूम कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये आपकी स्किन को रिस्टोर करता है, रिफ़्रेश करता है, आपकी स्किन में नेचुरल खूबसूरती डालता है, आपकी जो स्किन है उसको क्लियर करता है। हमारे चेहरे के ऊपर जो भी गंदगी, जो भी मिट्टी वगैरह जो आ जाती है ये उसको साफ करता है, और जो भी हमारे स्किन पे एज की वजह से या पानी ना पीने की वजह से लाइंस आ जाती हैं ये उनको रिमूव करता है। बाकी इसके अंदर जो है यूजेज बताया है किस तरीके से यूज़ करना है, सर्कुलर मोशन में, और जो है दिन में 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल करना है। फॉर्मिंग क्लेंजर है इसलिए हम इसे ऐसे ही यूज़ करेंगे जैसे फेस वॉश यूज़ करते हैं, दिन में 2 दफ़ा यूज़ करें और फिर बताएं। अब है
एसेंस टोनर जिस पे है नियासिनामाइड। नियासिनामाइड का जो है वो फ़ायदा ये होता है कि हमारी स्किन पे जो एक्नी होती है ये उसे ख़त्म करता है। तो किसी को स्किन पे रेडनेस होती है तो ये उसको सही करता है। आपके जो ओपन पोर्स होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा जिनको पोर्स का मसला होता है, तो ये पोर्स को मिनिमाइज़ करता है और आपके स्किन के ऊपर जो भी दाग धब्बे होते हैं ये उनको ख़त्म करके आपकी स्किन को इवन टोन करता है, एक जैसा करता है। विटामिन B3 होता है नियासिनामाइड में और ये आपकी स्किन के जो ऊपर झाइयाँ होती हैं, दाग धब्बे होते हैं, ये उनको ख़त्म करता है। इसके यूज़ से जो है आपकी जो स्किन है वो फिर से साफ़ और चमकदार हो जाती है। और इसके अलावा भी मतलब टोनर्स का और सीरम्स का जो है और भी यूजेज होता है, जो बहुत सी चीज़ों में मिक्स होके यूज़ होता है, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अपनी एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर आपको बताऊंगी कि हम सीरम्स को और टोनर्स को और किस तरीके से और किन चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं। इस पे भी जो है इन्होंने इसके बैक पे जो है आपको साइट्स दी हुई हैं इंस्टाग्राम फेसबुक की, जिस पे आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये था मेरा रिव्यू, और अगर किसी और ने भी इसे इस्तेमाल किया है और इसके रिजल्ट्स अगर किसी और को भी पता है तो मेरे साथ शेयर कीजिए इसी कमेंट सेक्शन में। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दोनों चैनल्स के स्क्रीनशॉट हैं, इनको सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।